पहली बार सम्मानित किया गया है, आपने इस अवार्ड के लिए कितना मेहनत किया है? देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से और आयुर्वेदा के फील्ड में मैं दिन रात से लगे रहता हूँ। हमारा काम है दवाइयाँ खुद बनाना और पेशेंटों को प्रिस्क्राइब करके देना और दिन रात मेहनत करी है और अभी भी कर रहे हैं और मेहनत का फल आज मुझे मिला है। आपके साथ कितने लोग आपके मेहनत में जुड़े हुए हैं? देखो मेरे साथ मेरा स्टाफ है, माता पिता है, गुरुजन है और वाइफ है, वो सारे मिलके कहते हैं हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी श्रीमती जी का हाथ कितना है और क्या ये अवार्ड आप उनको डोनेट करेंगे? देखो ये अवार्ड अपनी माता जी को, अपनी धर्मपत्नी को, दोनों को मैं देना चाहता हूँ। उनका नाम और उनका श्रीमती शुभलता कपूर और सोनाक्षी बीवी का नाम। ओके ओके, और क्या हमारे चैनल द्वारा जो दर्शक देख रहे होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? और जो युद्ध होंगे, जो अभी आपके उम्र के कुछ बच्चे खेल रहे होंगे और कॉलेज में होंगे, कुछ अपने करियर को बना रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय आयुर्वेदा का है और आजकल इतने ज़्यादा रोग हो गए हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के नई नई बीमारियाँ तैयार हो रही हैं। आयुर्वेदा में आइए, कोरोना काल के बाद सभी को आयुर्वेदा का पता चल गया है कि आयुर्वेदा में कितनी पावर है, आयुर्वेदा में कितनी पावर है। और आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातृ से विकार प्रशमन, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये मेरा प्रयोजन है। अभी जैसे कोरोना 8 से 9 महीने तक के निकल गया और जो युद्ध बेरोजगार हो गए उनको क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, लेकिन लोग दूसरों को हाँ जी जी ये तो एक घंटे तक बोलते रहेंगे। बोलिए। बेरोजगारी देखो हर जगह पहले भी थी, उससे पहले भी थी और अभी भी है और आने वाले में होने वाली है ना। अपना जो पढ़ाई की है उसमें कंसंट्रेशन करो, उसमें अपना कुछ छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं उसमें खोलिए, या फिर कोई अपना जॉब करने जाते हैं तो अपनी फील्ड में काम कीजिए, अन्य फील्ड में ना जाइए। मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा मुख्य संदेश है कि मैं आयुर्वेदा से जुड़ा हूँ तो आयुर्वेदा का डोनेट करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको सम्मानित पहला अवार्ड किया गया, शुभ नाम क्या है आपको? मैम क्या करती हैं आप? अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? कितने क्लास तक के है स्कूल? क्लास 2 तक है और अब हम इसको पैन इंडिया एक्सपेंशन। इस अवार्ड के लिए आपने कितनी मेहनत करी है? स्पेशली अवार्ड के लिए मेहनत नहीं की है, बट हाँ मैं बच्चों के लिए काम करने के लिए पैशनेट हूँ शुरू से ही और पिछले 15 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। और इस कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीखा कि क्लासेस को ऑल ऑफ अ सडन हमें डिजिटलाइज करना पड़ा सारी चीज़ें, किस तरह से सारे टीचर्स के साथ हमने पूरा इसको डिजिटलाइज किया, बच्चों के लिए पूरा हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपको प्रॉब्लम कितना फॉलो करना पड़ा, कितना आपको आसान पड़ा? ये मेरे लिए आसान था क्योंकि हम लोग कोरोना से पहले ही अपने स्कूल को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे, हमारी सारी क्लासरूम्स डिजिटलाइज हो रही थी, तो हमने बिल्कुल फर्स्ट डे से ही जो 1 अप्रैल जब सेशन स्टार्ट होता है हमने उसी दिन से अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे? मेहनत करें, अपने पैशन को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।